देखेंगे कैसे जो है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने अभी अभी स्कूल शिफ्ट किया है, हमारे स्कूल का नाम इलाहाबाद अभी स्कूल है, हमने अभी अभी शिफ्ट किया है। और जैसे हमने शिफ्ट किया अभी हमें एक ही दिन हुआ है, तो हमारे टीचर के साथ ऐसा मिसबिहेव किया जा रहा है, इतना मिसबिहेव किया जा रहा है, मारा जा रहा है हमारे टीचर्स को। जो बच्चे आने की कोशिश कर रहे हैं स्कूल में, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि आप घर में वापस जाएं। और ये स्कूल ज्यादा अच्छा है वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे फैन है, यहाँ पे मच फैसिलिटीज है, मच रूम्स है यहाँ पे ना, यहाँ पे वहाँ पे उस स्कूल में सोशल वेलफेयर था, वहाँ पे मेडिकल था और घर भी था, तो हमें बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी पढ़ने में। जब हम प्रैक्टिस करते थे इंडिपेंडेंस डे की, तब वो कहते थे कि अब कम करो आवाज, कम करो आवाज। जब हम परेड की प्रैक्टिस करते थे तब भी वैसे करते थे। हमें स्पोर्ट्स के लिए अच्छा ग्राउंड नहीं मिल रहा था उनकी वजह से, और असेंबली, मॉर्निंग असेंबली भी हम अच्छे से नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे। जब भी हम पानी भरने जाते थे वो हमें रोक देते थे, तो इसीलिए हमें ये स्कूल चाहिए, क्योंकि वहाँ पे, यहाँ पे बहुत छोटे भी बच्चे हैं और वो वहाँ पे जा नहीं सकते, और पेरेंट्स को कुछ दिन तो वो छोड़ देंगे, लेकिन कुछ दिन उन्हें अपनी भी ड्यूटीज़ होती है, बहुत सारे पेरेंट्स को उनकी अपनी ड्यूटी होती है, और बच्चे वहाँ पे चल के उनके एक्सीडेंट्स भी हो सकता है, और वहाँ पे कुछ लड़के ड्रग्स भी लेते हैं, और वहाँ पे बहुत ट्रैफिक है और बहुत पॉल्यूशन है, और वहाँ पे इतना शोर है। अभी देखो हम यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बट फिर भी इतना शोर नहीं लग रहा, और अगर हम वहाँ पे होते, वहाँ पे पेरेंट्स भी नहीं है, फिर भी बहुत शोर होता, वहाँ पे गाड़ियों की भी बहुत शोर होता है, ऑटो रिक्शा का बहुत पॉल्यूशन होता है, और वहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, और वहाँ पे हम किसी को जानते भी नहीं, यहाँ पे हम मीना मैं, यहाँ मेरे बच्चे लाहे स्कूल में पढ़ते हैं, तो मेरे बच्चों को यहाँ से अचानक से शिफ्ट किया जाता है, यहाँ पे पूरे स्कूल को शिफ्ट किया गया है, तो किसी को पेरेंट्स को बताया गया नहीं है। आज हमारे बच्चे यहाँ से, आज के दिन सुबह बच्चे यहाँ स्कूल में आए, तो यहाँ पे कोई टीचर भी मौजूद नहीं है, तो बच्चे सारे, कुछ बच्चे वहाँ पे नए स्कूल में, कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, कुछ बच्चे इस चीज़ पे एग्री हैं और कुछ नहीं है पेरेंट्स, तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे यहीं आए, हमें क्या पता, यहाँ से हम तो स्कूल भेजे, वहाँ से वापसी में बच्चे कहाँ से आए, कैसे आए, हमें तो नहीं पता इस चीज़ का। यहाँ किसी किस्म पे दिक्कत नहीं है, बच्चे बिल्कुल सेफ थे, बिल्कुल सेफ स्कूल, यहाँ पे स्कूल में आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई पानी की नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या कहेंगे, मेरा एक बेटा है यहाँ पढ़ता है, सब हमारे बच्चे हैं, हम बच्चों को वहाँ नहीं भेजना चाहते, हमारे बच्चे वहाँ सेफ नहीं हैं, यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है, सेफ हैं बच्चे, पीसफुल जगह है, वो तो वहाँ बच्चों को कोई भेजना नहीं चाहता, लिहाजा हमारे बच्चे यहाँ ही भेजें, तो हम यहाँ ही पढ़ाएंगे, हम कहीं और भेजने वाले नहीं। पहले दिन मुझे बोला कि यहाँ से शिफ्ट करेंगे, मैंने कहा सामान वगैरह चला गया, सामान नहीं गया, अभी बात कर रहे हैं, रात को 10:30 बजे मैसेज आया और सुबह शिफ्ट कर दिया। हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ ही पढ़ेंगे, बस मुख्तसर बात है, हम बच्चे पढ़ेंगे तो यहाँ ही नहीं, तो हम कहीं नहीं भेजेंगे। मैं, हम जब वहाँ पे स्कूल में गए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और वहाँ पे उनने बहुत बदतमीज़ी की, और तस्रीम सर को, जो मेरे भाई हैं, उनको धक्के मार के बाहर निकाला और कहा कि आप जासूस हो, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो स्कूल के ऑनर है वो शराब पीते हैं, और वो मतलब टीचर्स के। हम कई सालों से ये मुश्किल में, जो बिल्डिंग ओनर है वो हमें धमकियाँ दे रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गाली देते रह रहे हैं, हम टीचर्स को गाली देते रह रहे हैं, हम बच्चे को, टीचर्स को टॉर्चर करते रह रहे हैं, ये बंदा हमें स्कूल के अंदर बिल्डिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे, रूम्स नहीं प्रोवाइड कर रहे, एग्रीमेंट में लिखा हुआ 16 रूम, लेकिन हमें एक्चुअल में दिया हुआ सिर्फ 13 रूम, और हमारा अकाउंट ऑफिस बाथरूम के अंदर पड़ा हुआ है, हमारे पास 9th 10th का परमिशन के लिए इस टाइम हमने अप्लाई किया हुआ है, हमारे पास लैब का सुविधा नहीं, हमने 1.5 लाख रुपये खर्चा करके साइंस लैब हमने बनाया है, आज साइंस लैब के अंदर हमने क्लासरूम बनाना पड़ा है, हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है, हमारे पास ये बिल्डिंग जो है, ये मैंने 2015 से इनको दी हुई है, पिछले 8 साल से यहाँ पर ये एलाइया पब्लिक स्कूल जो है ये चल रहा है, इन्होंने कोई तकरीबन 1-2 महीने हुए, तो ये इनका मैंने देखा कि ये बच्चों को अच्छी तरह से इनका वो पढ़ाना वगैरह जो है, इनका सिलसिला अच्छा नहीं चल रहा था, इन्होंने कहा क्या किया कि यहाँ से बगैर
किसी को पूछे, ना पेरेंट्स को पूछा, ना मुझे पता है। यहाँ से बिल्डिंग जो है ये इसको कहा कि हम ये बिल्डिंग छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। मेरे से इनकी बिल्डिंग छोड़ने की कोई बात नहीं हुई। बहरहाल किराया इन्होंने मेरा देना है, किराया एक अलग मसला है, वो हम ले लेंगे। किराया जो है अभी तक तकरीबन कोई 22,70,000 रुपया देना है। 2008 से ऑनवर्ड्स इन्होंने थोड़ा सा कुछ किराया मुझे दिया, तो उसके बाद इन्होंने किराया मुझे नहीं दिया। टाल मटोल करते रहे, दे देंगे, कल देंगे, अगले महीने में देंगे, ऐसे करते करते ये बात जो है ये चलती रही। और या किसी की परमिशन थी इनके पास स्कूल शिफ्ट करने की? ना ना, कोई परमिशन नहीं थी। कल शाम को मेरे सुनने में आया कि इन्होंने बच्चों को एक मैसेज डाला, जी कल से हम स्कूल वहाँ पर वो फैजलाबाद पार्किंग में चलाएंगे। जब ये रात को कल आए साथ में 2-3 पुलिस वाले लेके, तो उनको कहने लगे जी हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। हमने कहा भाई सुबह पेरेंट्स को बुलाओ, उनकी मीटिंग करो, उनके मीटिंग करने के बाद आप अगला कोई स्टेप लो। तो ये यहाँ से चले गए, कल मैसेज डाला जी हम सुबह स्कूल वहाँ लगाएंगे। अब आप क्या कहेंगे इसको? देखो मैंने जो है मेरा इनके साथ क्लेम है, मेरा किराया देंगे, लेकिन मैं कभी इनको ये नहीं कहता कि मेरे किराए की वजह से लोग डिस्टर्ब हों, बच्चे डिस्टर्ब हों। ये बच्चे हमारे हैं, कि कोई मेरे रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी है, कोई और मतलब हर किस्म के मेरे तलकात है। तुमने ये कोई 6 महीने पहले यहाँ 2.5 लाख रुपया दे के पंप निकाला, और पानी सिर्फ यहाँ स्कूल के लिए नहीं या अपने लिए नहीं, जब पानी ख़त्म हो जाता है यहाँ पर मल्ले में तो लोग यहाँ से पाइप लगा के रबर की यहाँ से पानी ले जाते। बिजली मैंने 2.5-3 लाख रुपया दे के, कोई कमेटी आए, आप खुद यहाँ पर देखो कि क्या किसी कमरे में कोई बिजली के बगैर कोई कमरा है? कितने कमरे पास मैंने दिए हुए हैं? 16 कमरे, और अभी 4 कमरे खाली हैं, वो भी मैं इनको देने के लिए तैयार हूँ।